नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। ब्रांड वैल्यू एक ऐसा नाम है कि जब वो चल जाए तो उस ब्रांड का फ़ायदा कोई और लेने की भी कोशिश करता है। यही कुछ इस समय जो है वो व्हाइट हाउस जो आप देख सकते हैं, एक कंपनी है जम्मू में ही इस्टेब्लिश हो रखी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा जो है वो डील करती है, और उसमें भी व्हाइट हाउस के जो गीज़र्स हैं उसमें जो है डुप्लीकेसी व्हाइट हाउस के ट्रेडमार्क के साथ जो है मार्केट में आ रही है। इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज प्रेस वार्ता जो है प्रेस क्लब जम्मू में की गई, जिसको कमल किशोर जो ओनर है व्हाइट हाउस के उनके द्वारा की गई। क्या कुछ कहते हैं, डुप्लीकेसी को लेकर जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से आम नागरिक, आम कस्टमर, आम कंज्यूमर जो है व्हाइट हाउस के इस डुप्लीकेसी से बच सकता है और क्या मजबूरी रहेगी कि आज उनको डुप्लीकेसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है प्रेस वार्ता करने पड़ी लोगों के वेलफेयर के लिए। कमल जी, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि आज आपको लगा कि डुप्लीकेसी जो हो रही है व्हाइट हाउस गीज़र में, आपको प्रेस वार्ता करनी चाहिए इस पर। देखो, हमारे लड़के जब मार्केट में जा रहे थे, लगातार हमें इनपुट आ रही थी मार्केट से कि ये लड़के हमारे चले जाते थे, देखते थे गीज़र हमारा होता नहीं था, वो ऑलरेडी किसी और का ब्रांड, मतलब व्हाइट हाउस का लोगो तो लगा होता लेकिन बनाने वाली कंपनी कोई और ही होती थी। तो फिर हम लगातार ये देख के बड़े परेशान हो गए, तो फिर हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए कि पब्लिक अवेयर की जाए कि पब्लिक जब ख़रीदने जाती है हमारे व्हाइट हाउस के गीज़र को, ये जरूर इंश्योर कर ले डब्बे पे भी और गीज़र पे भी, बनाने वाली जो कंपनी है, जो बनाने वाली उसको पैदावार करने वाली कंपनी है व्हाइट हाउस ब्रांड को, वो है बेस्टिंग हाउस इंडस्ट्री, वो ज़रूर देख ले कि डब्बे कार्बोरेटेड बॉक्सिस के ऊपर भी लिखा होता है और गीज़र के नीचे भी लिखा होता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय वेस्टिंग हाउस इंडस्ट्री। ये मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी आऊँगा, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सर्विस के लिए आपके लड़के जाते थे, तो जाने कि कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट खरीद चुका होता था, उसके बाद अगर प्रोडक्ट ख़राब होता है तो कंज्यूमर जो नंबर होता है कस्टमर केयर नंबर, उस पर कॉल करता था। मैं देखो ऐसा है ना, इंटरनेट में कहीं भी गूगल में, आजकल तो सारा इंटरनेट का जमाना है, तो कस्टमर गूगल से देखता था व्हाइट हाउस का नंबर, तो वो हमारे सर्विस सेंटर में कॉल करता है। तो जब वो सर्विस के लिए हमारे सर्विस सेंटर में कॉल करेगा, नेचुरली हमारा ही इंजीनियर स्टाफ जो है उधर जाएगा उसके घर में। तो जब वो देखते थे जाके, ये तो हमारा है ही नहीं है, तो फिर वो इनपुट हमारे पास पहुंचती थी, वो इनपुट के आधार पे फिर हमने ये मतलब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। मतलब कितना मार्केट के अंदर कितनी रेशो में आपको लगता है कि जो डुप्लीकेसी के प्रोडक्ट जो हैं वो इस समय इंट्रोड्यूस हो रखे हैं व्हाइट हाउस गीज़र के नाम पे? ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन पिछले एक डेढ़ साल से हमें इनपुट मिल रहे थे लगातार। हाँ, हमारे लड़के जब जाते थे वो इनपुट देते थे, सर्विस इंजीनियर जो भी हमारे किसी के घर में जाते थे, तो बड़ा दुख होता था सुन के, यार कस्टमर ने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है और उसके साथ इतना ज़बरदस्त ये धोखा कर रहे हैं ये लोग। एक आदमी पैसा 100-150 रुपये जोड़ के साल में पैसा जोड़ता है, यार इस साल हम गीज़र लेंगे, तो जब उसका गीज़र 2 महीने के बाद ही बैठ गया, ख़राब हो गया, तो वो हमें करेगा कंप्लेन। जब हमारे बंदे ने बोला यार तेरे साथ तो चीटिंग हो गई है, बेचारा अपने आप में कितना उसके साथ व्हाइट हाउस का ब्रांड नेम इस्तेमाल करके अगर 2 महीने में जो है गीज़र ख़राब हो रहा है, अगर मैं आप ही की कंपनी की बात करूं तो अगर कोई कस्टमर लेता है तो क्या वो ख़राबी नहीं आती है, जहाँ उसकी रेशो बड़ी कम है? बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल ना के मुताबिक होती है, कभी कभार 100 में से एक आ ही जाता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाता है, कोई वो कम्प्लेन नहीं होती है, वो आती है, हमारे सर्विस इंजीनियर उसको करते हैं, 24 घंटे में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। व्हाइट हाउस एक बहुत बड़ा नाम है जम्मू की बात करूं, जम्मू में ही इस्टेब्लिश हो रखा है और कस्टमर अक्सर जो है व्हाइट हाउस चाहे कूलर हो गीज़र हो लेना पसंद करते हैं। किस तरीके से वो जान सकते हैं कि ये डुप्लीकेट है कि ये रियल वाला व्हाइट हाउस है, ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए ऐसा है, जो भी कॉरूगेटेड बॉक्सेस बनते हैं उस पर 1,00,000 रुपया खर्चा आता है, जो भी हमारी, तो उस पर हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वेस्टिंग हाउस, मैन्युफैक्चर बाय वेस्टिंग हाउस इंडस्ट्री, ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो देख ले, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये देख ले कि कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा। अच्छा, ये मेंशन होता है उसमें? हाँ, हर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होगा ये। और जो डुप्लीकेसी का आप कह रहे हैं जहाँ पे आपको शिकायत है वहाँ पे नहीं है, वो थोड़ी ये वाला, वो क्यों बॉक्सिस पे इतना खर्चा करेंगे वो लोग, उस पर ये मेंशन नहीं होगा। सर, कोई ट्रेडमार्क चोरी कर सकता है, ट्रेडमार्क कॉपी करके लगा देगा, पर कोई मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा ना गलत लिख सकता है, वो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ तो लिख देते हैं, हमारी एक पुरानी फर्म है जो अब फंक्शनिंग में नहीं है, VAID वैद इलेक्ट्रिकल्स, वो आज फंक्शनिंग में नहीं है आज की डेट पे, वो उस नाम को यूज़ करते हैं, उसका कॉरूगेटेड बॉक्स मार्केट में होंगे पड़े हुए, उसका फ़ायदा ले रहे हैं वो लोग।
अच्छा, क्या वजह है कि डुप्लीकेसी के जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वाइट हाउस के नाम पे? आपको क्या बेनिफिट? जल्दी तरक्की करना है, जल्दी अमीर बनना। नुकसान तो जनता का हो रहा है। जनता का नहीं, जनता का तो हो ही रहा है, हमारा भी हो रहा है जी। अच्छा, आपका भी हो रहा है। ये ब्रांड आप क्या समझते हो? ब्रांड एक ब्रांड थोड़ी होता है, एक प्रोडक्ट थोड़ी होता है। ब्रांड तो एक बंदे का एक समझ सकते हो आप क्या होता है, स्टेटस होता है बंदे का। एक यस लाइक के बच्चा होता है, वो चाइल्ड जिसको छोटे से लेके बड़ा किया जाता है। तो क्या लगता है कि इससे जो है वो कहीं ना कहीं ब्रांड के ऊपर और वाइट हाउस? मेरी यही अपील है जी पब्लिक से और हमारे दुकानदारों से, प्लीज़ जब भी आप लो ये जरूर इंश्योर करो कि जो सामने वाला बंदा है वो आपके साथ चीटिंग तो नहीं कर रहा। मैं आपसे आखिरी सवाल, आपने दुकानदारों का जिक्र किया, जो दुकानदार जो डीलर इसको बेच रहे हैं क्या वो ये चीज़ इंश्योर नहीं करते या वो भी इसमें पूरे भागीदार हैं? सर मैं देखो दुकानदारों के साथ डायरेक्ट तो नहीं कह सकता कि दुकानदारों को पता, मैं भी पता हो मतलब मैं इंश्योर नहीं हूँ इस बारे में, मैं भी वो उनको ना पता हो, इनोसेंट हूँ। मैं उनसे अपील करता हूँ भाई अपना काम करो, अच्छा करो, बढ़िया करो। तो आपने देखा किस तरीके से डुप्लीकेसी इस समय जो है जम्मू के मार्केट में चल रही है, और ये डुप्लीकेसी किसी और नाम से नहीं वाइट हाउस गीज़र के नाम से चल रही है। हालांकि वाइट हाउस एक ऐसा ब्रांड, ऐसी कंपनी है जो जम्मू में इस्टेब्लिश हुई थी 1996 में और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आइटम्स में जो है डील करती है, लेकिन अधिकतर डुप्लीकेसी जो है गीज़र में देखने को मिल रही है। बहरहाल इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज उनके ओनर कमल किशोर और उनके साथियों ने जो है प्रेस वार्ता की है। लेकिन एक बड़ी जो चीज़ है इस प्रेस वार्ता में ये सामने आई है कि अपना मुनाफा देखें, अपना मुनाफा कमाने के जो पूरा एक प्रोसेस है उसके चलते जो है कस्टमर से कंज्यूमर से जो कहीं ना कहीं इस समय धोखा किया जा रहा है वाइट हाउस ब्रांड के नाम से। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कस्टमर और कंज्यूमर को, जब भी वे आइटम खरीदते हैं और वाइट हाउस के नाम पे ही खरीदने जा रहे हैं तो इसमें एक चीज़ बड़ी पर्टिकुलरली मैंशन की है, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसकी वो जो है वेस्टिंग हाउस इंडस्ट्री जो है वो उस पर मैंशन होगा, तो तभी जाके आप समझ सकते हैं कि वाइट हाउस की ओरिजिनल आइटम है वो, वाइट हाउस गीज़र जो ओरिजिनल आइटम है तभी जाके खरीदें। अगर ये मैंशन नहीं है उसके ऊपर तो आप कृपया करके उस चीज़ को ना खरीदें, क्योंकि ब्रांड वैल्यू बहुत बड़ी है और कस्टमर के बीच में जो है वाइट हाउस का एक कहीं ना कहीं जो है आकर्षण भी इस आइटम को लेके है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा कि मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वेस्टिंग हाउस इंडस्ट्री के नाम पे जब हो तो तभी आप समझिएगा कि वो जो है वो वाइट हाउस के आइटम्स हैं। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और जब भी आप मार्केट में जाएं तो ये ज़रूर देखें कि कहीं डुप्लीकेट आइटम आपको तो नहीं बेची जा रही, कहीं एक्सपायरी डेट आइटम तो आपको नहीं बेची जा रही है, क्योंकि आपका पैसा बेशकीमती है और उस पैसे से अगर डुप्लीकेसी आइटम खरीदते हैं, जिस प्रकार से ये बता रहे थे कि महीने में अनेकों ऐसे प्रकार के केस आ जाते हैं जहाँ पे लगता है कि उनके आइटम जो है वो ख़राब हो गई है, इसके साथ साथ तो कस्टमर को तो नुकसान होता ही है, ब्रांड वैल्यू जो है उसको भी नुकसान हो रहा है। और इसी अपील के साथ इन्होंने कहा कि आप ज़रूर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो देखें। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस बात को जान सकें कि डुप्लीकेसी से किस प्रकार से बचा जा सकता है। कैमरामैन काका के साथ मैं पंकज खजूरिया, जय हिंद।